So all the young and dynamic men, a very good news for you. Air Force has announced the open recruitment rally for you all. तो आइए देखते हैं इस वीडियो में उस रैली के बारे में. तो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय. लेट्स बिगिन. देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने जनरली दो टाइप के रिक्रूटमेंट करती है. फर्स्ट क्या है, आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, आजकल शुरू हो गया है. फिर एडमिट कार्ड आएगा, देन यू हैव टू गिव रिटन एग्जामिनेशन, देन उसकी रिजल्ट आएगी 10 डेज बाद. फिर उसमें सेकंड फेज होगा, फिर उसका एडमिट कार्ड आएगा. तो ये लॉन्ग प्रोसेस है. रैली में क्या होता है, स्ट्रेट वे आपको जाना है वहां पर, अपने सर्टिफिकेट्स लेके, फोटोग्राफ्स लेके, और आपको रैली में अपियर होना है. ठीक है, तो हाँ, इसमें क्या क्या होता है, किसी कहीं कहीं जगहों पे क्या होता है, ज्यादा भीड़ होती है तो पहले 2 दिन होता है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली, वो भी आपको जाकर ही करना है, ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, फिजिकली जाना है वहां पर. और उसके बाद आपको जो डेट देगी एग्जाम का देंगे, उस पे आपको जाकर एग्जाम देना. ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल्स में. और मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपके कोई भी, देखिए जो ये सब जॉब्स कौन ढूंढता है, जो लोअर मिडिल क्लास हमारे टाइप के लोग हैं वही लोग ढूंढते हैं. ठीक है, जो बड़े अमीर करोड़पति हैं वो तो ढूंढते नहीं है. तो और अभी भी 4G के जमाने में भी जो रूरल बैकग्राउंड से लोग हैं उनको काफी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग, आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, लेट इट बी अ सिली डाउट ऑल्सो, कुछ भी आपके मन में आ रहा है कि कैसे, आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आई विल जस्ट ट्राई टू रिप्लाई टू इट. ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं. आपको कोई भी डाउट हो कि ये क्या है, क्यों है, आप पूछिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखिए, उड़ीसा में क्या है, IAF पुलिस और ऑटो टेक्नीशियन की भर्ती है. मैक्सिमम जगहों पे यही भर्ती निकाली. IAF पुलिस कौन है, देखिए IAF पुलिस क्या करते हैं, पुलिस आ गया मतलब ही इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. जहां भी एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन हैं, कैंप्स हैं, वहां पर ये रहेंगे और इनकी जिम्मेदारी रहेगी इंटरनल सिक्योरिटी की. ऑटो टेक्नीशियन क्या करेंगे, ऑटो टेक्नीशियन है वो जो लाइट व्हीकल हैवी व्हीकल है सारा ये ड्राइव करेंगे, साथ में जो स्पेशलिस्ट व्हीकल भी होती है, क्रेन व्हीकल, एयरक्राफ्ट व्हीकल, वो सारा. लेकिन उसके लिए अलग कोर्स होगा, बेसिक कोर्स होगा, उसके बाद वो लाइट व्हीकल और ये सारा जिप्सी वगैरह ये आपने देखा वो ड्राइव करेंगे. इसका देखिए, उड़ीसा में क्या है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सिट इन द एग्जामिनेशन. रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ पे कराना है, 9 ASC मतलब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, नियर राजधानी कॉलेज, बारमुंडा, भुवनेश्वर, 751003. टाइमिंग है 8 से 4, डेट है 1 और 2 सितंबर को. ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आजकल इंट्रोड्यूस हो गया पिछले कुछ सालों से और ये स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए आप ट्राई कीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम है. 1.6 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड्स में खत्म कर दें. सिटअप्स 10, स्क्वाट्स 20 और पुशअप्स भी साइड 10 है. ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 25 से 28. अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर एलिजिबल कौन है. देखिए, एलिजिबल वो है जैसे वो जो भी एरिया में एग्जाम हो रहा है, या तो आप वहां से पढ़े लिखे हो, 12th में आपके पास सर्टिफिकेट में एड्रेस होगा जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं आप, तो आप एलिजिबल होंगे. सेकंड, या आप वहां के डोमिसाइल हो, आप पढ़े तमिलनाडु में है लेकिन उड़ीसा के डोमिसाइल है, सर्टिफिकेट है, लेके चले जाइए. तीसरा, अगर आपके फादर एयरफोर्स में है किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो एयरमैन हो, चाहे वो सिविलियन हो, NC हो, और उनकी पोस्टिंग वहां पर है, आप चले जाइए. अगर आपके फादर रिटायर हो गए हैं लेकिन वहीं रह रहे हैं पिछले 1 साल से ज्यादा, तो भी आप चले जाइए. ठीक है, ये हो गया सबके लिए. अगला, छत्तीसगढ़. यहाँ पर क्या है, IAF पुलिस और ऑटो टेक्नीशियन की भर्ती नहीं है, यहाँ पर है IAF सिक्योरिटी, गरुड़ कमांडो उसकी. देखिए, डिफरेंस क्या है पुलिस और IAF सिक्योरिटी में, पुलिस जो है वो नॉर्मल छोटे मोटे केसेस हैं वो देखेंगी, बट गरुड़ कमांडो जो है इनकी फॉर्मेशन लगभग 15 साल पहले एयरफोर्स में हुई. क्यों हुई, इनकी जो शुरुआत हुई वो NSG की तर्ज पे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनके तर्ज पे, या अमेरिका के जो सील कमांडोज हैं अपने नेवी के, इंडियन नेवी के मार्कोस हैं उनके तर्ज पे हुई. ठीक है, एंड दे विल मेनली डील विद द एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, बड़े बड़े ऑपरेशन अगर कुछ ऐसा होता है तो ये डील करेंगे. यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आप फिजिकली सुपर फिट है ना तो ही ये ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप बाद में पछताएंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें स्विमिंग भी होगी, इसमें पैरा जंपिंग भी होगी. पैरा जंपिंग मतलब आपने देखा होगा वो पैराशूट लेके कूदते हैं जहाज से. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत दिलेरी चाहिए और है, बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप में ये है तो ये जॉब बिल्कुल आपके लिए. ठीक है, और इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी अलग से दिया जाएगा. ठीक, ये हो गया. लेकिन अगर आप फिजिकली उतने फिट नहीं है, देखिए हर एक मेटाबॉलिज्म अलग रहता है, जीन्स अलग रहता है, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है फिर. ठीक है, इसमें देखिए 6 मिनट 30 सेकंड पिछली बार हमने देखा, और इसके लिए देखिए सिर्फ 5 मिनट 40 सेकंड, इन दिस यू हैव टू कंप्लीट 1.6 किलोमीटर. ठीक है, इसमें चिनअप्स भी है 8, और ये सारा स्टिपुलेटेड टाइम में आपको करना पड़ेगा. ये डेट्स है 31 अगस्त, 3 सितंबर, 6 AM ऑनवर्ड्स शुरू है, और ये इसका वेन्यू हो गया. अगला, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. यहाँ पर ये देखिए बैरकपुर है, अगर आप सियालदा उतरते हैं तो वहां से आपको नजदीक पड़ेगा, आप नईहाटी वाली लोकल पकड़ लीजिए तो ये स्टेशन आपके पास आएगा. ठीक है, बैरकपुर, शोधपुर, पालता, ऐसे करके. उसके बाद देखिए टाइमिंग वही 6 बजे से है, 10 बजे तक अलाउड है, तो उससे पहले आप चले जाइए. डेट 25 और 28 सितंबर को है. आप बोलेंगे दो डेट क्यों, देखिए 25 को जो गए उनका रिटर्न हो गया, 26 को फिजिकल फिटनेस हो गया, 27 रिजर्व डेट रखते हैं. रिजर्व क्यों, मान लीजिए कोई
बंद हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसके लिए नेचुरल कैलमिटीज हैं, जियोपॉलिटिकल कुछ क्राइसिस आ गई। इसके बाद फिजिकल टेस्ट सिर्फ फर्स्ट स्लाइड में जो उड़ीसा वाली स्लाइड में थी, 1.6 किलोमीटर इतने में सेटअप, स्क्वाट्स और 10 पुशअप। इसके बाद गुजरात दमन दीव के लिए क्या है, इसमें भी आईएएफ पुलिस और टेक्नीशियन के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेन्यू ऑफ, देखिए वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये है पद्म भूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दीव क्रिकेट स्टेडियम दीव, लेकिन रिपोर्ट कहाँ करना है आपको, केवी ग्राउंड एयरपोर्ट रोड फूदम में 6 AM ऑनवर्ड्स, जल्दी चले जाइए 27 अगस्त को, एक ही डेट है, इसी दिन है एग्जाम। 27 अगस्त को बैग उठाइए, सीधा यहाँ रिपोर्ट कर दीजिए 6 बजे, बस काम हो गया आपका। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इतने सेम वही 10-20 पुशअप। इसके बाद देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जो सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत जगह है सारे। यहाँ पर भी आईएफ पुलिस और आउट टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने एयरफोर्स स्टेशन बोरझार दिया है। जब आप स्टेशन से उतरेंगे पटन बाजार की तरफ निकल जाइए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और वहाँ से जो आदाबाड़ी, झालुकबाड़ी, ठीक है, वीआईपी मोड़, तेनाली, ये बोरझार एयरपोर्ट भी है, वहाँ की बस पकड़ लीजिए तो आप भी पहुँच जाएंगे। इसके बाद टाइमिंग सेम है, डेट है एग्जामिनेशन का, या तो 1 को चले जाइए या 3 को चले जाइए। फिजिकल फिटनेस सेम, सिटअप सेम, स्क्वाट सेम, 10 पुशअप, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो ये गोल्डन मौका है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि एक नौकरी मिल जाती है तो सिर्फ उस बंदे का नहीं, उसके पूरे परिवार का एक आप समझ लीजिए कि उद्धार हो जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डिटेल देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई ट्राई टू आंसर, ठीक है। तो मैं यही, इस वीडियो से अगर कुछ 50-100 लोगों का भी फायदा हो गया तो ये हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो और कुछ टाइम है, जो फिजिकल में थोड़ा सा वीक है अभी, थोड़ा सा टाइम है, सुबह उठ जाइए और थोड़ा सा रनिंग, पुशअप्स, चिनअप्स, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। तो सबको ऑल दी बेस्ट एडवांस में, और सारे लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है, सारे एडवर्टीजमेंट के, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार एंड